तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने स्टोरी में देखा था कि लैंसन और विहिन की शादी हो गई थी। उसके बाद विहिन की सेहत ख़राब हो गई थी तो वो दोनों डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट एक दिन के बाद आएगी, तो रिपोर्ट आ जाने वाली थी। तो डॉक्टर ने फोन करके लैंसन को कॉल किया था और कहा कि विहिन के रिपोर्ट में आया है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है करके डॉक्टर ने बताया था। तो फोन लैंसन ने नहीं, विहिन ने उठाया था। तो विहिन ने कहा कि आप लैंसन को कुछ मत बताना, मैं आपसे आके मिलता हूँ। उसके बाद विहिन लैंसन को बिना बताए डॉक्टर से जाके मिला। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सेहत ख़राब है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन थोड़ा रिस्की है, इसी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अपने हस्बैंड को बता दो कि ब्रेन ट्यूमर है करके, और सब बता दो बोला। तो विहिन ने कहा डॉक्टर को कि आप लैंसन को कुछ मत बताना करके, और उसके बाद विहिन चला आया और घर पे आया और सब अपना सामान पैक किया और घर छोड़ के चला गया। अपने दोस्त के हेल्प से वो अमेरिका गया और वहाँ यहाँ पे लैंसन विहिन को ढूंढ रहा था कहाँ गया करके, तो विहिन नहीं मिल रहा था। तो सबसे पूछा, सब जगह ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। तो उसके बाद 2 साल बीत गए ऐसे करते करते, और इन्हीं 2 सालों में विहिन के साथ क्या हुआ आइए जानते हैं। विहिन अपने दोस्त की हेल्प से लंदन आ गया था। तो वो आके वहाँ पे एक फूलों का बुके का शॉप था, तो वहाँ पे वो काम करता था और अपना मतलब दोस्त की हेल्प से अपना हॉस्पिटल का खर्चा निकालता था और सब करता था। उसके पास भी पैसे थे तो अपना इलाज करवा रहा था। और उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई और 2 सालों में वो अमेरिका में ही है अपने दोस्त की हेल्प से। उसके दोस्त ने उसको सब बताया कि वो कौन है, कहाँ से है, सब बताया। तो वहाँ उसके दोस्त के साथ है वो, और इन 2 सालों में लैंसन विहिन को ढूंढ रहा था। तो लैंसन अमेरिका गया था, तो विहिन से वो मिला 2 सालों के बाद। तो विहिन तो उसे पहचाना नहीं, तो वो विहिन को रोका और सब बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ करके। तुम्हारे जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है करके सब बताया। और उसके बाद विहिन उसका विश्वास नहीं कर रहा था, तो उसके दोस्त को लैंसन भी जानता था। तो लैंसन ने कहा कि उसके दोस्त से पूछे, तो उसके दोस्त ने भी बताया कि वे तुम्हारा हस्बैंड है करके। तो उसके बाद विहिन जहाँ रहता था, किराए पे रहता था वो, तो वहाँ पे और एक इंसान के लिए जगह खाली थी रहने के लिए। तो लैंसन जाके वहाँ पे रेंट पे वो घर ले लिया। तो वो दोनों एक साथ रहने लगे रूममेट की तरह। और विहिन को लैंसन सब याद करवाने की कोशिश करता था, वो कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, कॉलेज में मिले थे करके सब याद दिलाने की कोशिश करता है। और सब उसके फैमिली वालों से भी मिलवाता है, उसका कॉन्टैक्ट नहीं था उसके फैमिली वालों के साथ, लेकिन वो उसके फैमिली वालों के साथ मिलवाता है और सब बताता है कि वो उसके मम्मी पापा से मिलवाता है।
और उसके बाद तो वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और लैंसन भी इनकी बहुत केयर करता था और अच्छे से उसका ख्याल रखता था और सब याद दिलाने की कोशिश करता था उनका, और शादी का एल्बम दिखाता था और उनके फ़ोटो दिखाता था, सब दिखा के याद करवाने की कोशिश करता था, उनकी यादें याद करवाने की कोशिश करता था और रहीम को सब याद दिलाने की कोशिश करता था लैंसन। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और उसके बाद एक दिन रहीम के सिर में अचानक से दर्द उठा तो वो बेहोश हो गया। तो उसे लैंसन हॉस्पिटल लेके गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि कुछ देर में उसे होश आ जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। और उसके बाद रहीम को होश आया और उसे धीरे धीरे सब मेमोरी याद आने लगी और उसे सब कुछ याद आने लगा धीरे धीरे करके। तो वो उसने कहा कि मुझे सब याद आ रहा है करके लैंसन को बताया। तो लैंसन रहीम से पूछा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले आए थे। तो रहीम ने कहा कि इस ऑपरेशन में मेरे जान जाने का खतरा था, या तो मैं सब कुछ भूल जाता, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चला आया था। तो इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चला आया था, बोला उसने। और उसके बाद वो दोनों अपने घर गए और फैमिली वालों को भी बताया कि उसकी याददाश्त आ गई है करके, और वो दोनों एक साथ अच्छे से रहने लगे। और ऐसे करते करते एक साल बीत गया। उसके बाद वो दोनों ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसका नाम आईवन था। तो वो दोनों बच्चे को अडॉप्ट किए और एक साथ रहने लगे हैप्पी फैमिली की तरह। और स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।